नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। सभी को पता है कि इस समय बॉलीवुड में रियल लाइफ पर मूवी बनाने का ट्रेंड चल रहा है। हाल ही में बॉलीवुड मूवी मुंबई सागा आई, जिसमें अमर्त्या राव का रोल निभाया है जॉन इब्राहिम ने। इस मूवी को देखने के बाद से ही बहुत लोगों ने गूगल पर सर्च भी किया कि आखिर अमर्त्या राव की क्या स्टोरी थी, लेकिन गूगल पर अमर्त्या राव नाम का कोई गैंगस्टर है ही नहीं। असल में अमर्त्या राव रियल नेम नहीं है। फिल्म में कई इंसिडेंट्स के साथ साथ इस नाम को भी बदला गया है। 1994 में इस गैंगस्टर ने टेक्सटाइल के एक बड़े बिजनेसमैन को मुंबई में बेखौफ मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं उस समय वो बिजनेसमैन अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद था, बावजूद इसके इस घटना को अंजाम दिया जाता है। उस दौर में मुंबई में कई टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी। इन मिल्स में से सबसे बड़ी मिल थी खताऊ मिल। इस मिल का मालिक था सुनीत खताऊ, और वो अपनी करोड़ों की उस मिल की जमीन को कॉरपोरेट सेक्टर्स को बेचना चाह रहा था। वो उस मिल को बायकुला से शिफ्ट कर बोरीवली लाना चाहता था। सुनीत खताऊ को बोरीवली में कई गुना जमीन सस्ते दामों में मिल रही थी, और इससे वो कई गुना प्रॉफिट कमाना चाहता था। लेकिन इससे लेबर्स यूनियन सुनीत खताऊ के खिलाफ थी, और मिल बेचने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इससे सुमित खताव की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। कहीं ना कहीं वो मजदूरों को समझाने में असफल रहे। यों कह लीजिए, लेबर्स को समझाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद सुनीत खताव ने अरुण गवली की मदद लेना जरूरी समझा, और गवली को मिल को पूरी तरह खाली करवाने को कहा। इसके बदले में सुनीत खताव ने 15% का हिस्सा गवली को देने का वादा किया। उस समय गवली की गैंग को टक्कर देने का काम कर रही थी अमर नायक की गैंग। कहीं ना कहीं अमर नायक की गैंग को लग रहा था कि गवली को सुनीत खताव का साथ मिलने से गवली और ज़्यादा पावर में आ सकता है। जिसके बाद अमर नायक की गैंग ने सुनीत खताव को रास्ते से हटाने का डिसीजन लिया। हर बार की तरह सुनीत खताव मिल जाने के लिए अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से रवाना हुआ। समय था 11:56 का। जब उसकी गाड़ी महालक्ष्मी रेस कोर्स के सिग्नल पर रुकी, तो दो मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों ने आते ही सुनीत खताव की गाड़ी पर हथौड़े से कई वार किए, और जब गाड़ी का कांच टूट जाता है तो सुनीत खताव को उसकी गाड़ी में ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर मार दिया जाता है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देने के बाद से लोगों के मन में डर का माहौल कायम हो गया था। यहाँ से ही अमर नायक का नाम मुंबई के बड़े गैंगस्टर्स में गिने जाने लगा था। इसके बाद से ही अरुण गवली और अमर नायक की दुश्मनी और ज़्यादा गहरी हो गई थी। अरुण गवली ने अमर नायक के भाई पर गोलियों से हमला करवाया, जिस कारण अमर नायक का भाई अश्विन नायक पैरालाइज हो गया। ऐसे ही दोनों गैंग्स एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब अमर नायक की गैंग गवली गैंग पर भारी पड़ रही थी। कहते हैं जब दंगे हफ्ता वसूली जैसे कामों को अमर नायक किया करता था, तो उस समय बालासाहेब ठाकरे का अमर नायक पर हाथ हुआ करता था। एक तरह से पूरी मुंबई पर अमर नायक का राज हो चुका था। 1994 से लेकर 1996 तक मुंबई पर पूरी तरह राज किया। जिस अमर नायक के पास एक समय हथियार नहीं हुआ करते थे, एक समय ऐसा आया जब उसके लिए हथियार श्रीलंका से आने लगे थे। 1996 में बाल ठाकरे ने अमर नायक के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया था, जिसके बाद से पुलिस को अमर नायक को शूट करने का ऑर्डर मिल गया था। मुंबई के बेस्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ये काम सौंपा गया, जिसके बाद अमर नायक का एनकाउंटर कर दिया गया। 90 के उस दौर में चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इन सभी लोगों को अपनी जान का डर सता रहा था। जब अमर नायक का एनकाउंटर हुआ, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में से वो डर खत्म हुआ। जब मुंबई सागा मूवी बनाई गई, तो अमर नायक की फैमिली और उनके छोटे भाई अश्विन नायक ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मूवी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इस फिल्म की वजह से उनके केस पर प्रभाव पड़ सकता है। अमर नायक की दो बेटियाँ हैं, रेशमा और अदिति। रेशमा फ्लाइट पायलट है, और अदिति जो कि छोटी बेटी है वो एक डॉक्टर है। अश्विन नायक की भी एक बेटी है जो डेंटिस्ट है। अश्विन नायक अपनी बेटी के साथ चिंचपोकली में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमर नायक की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।